भाई बिल्कुल मंदिर के अंदर आ चुके हैं। और मंदिर है कहाँ, वो रहे हमारे बाबा। अरे छोरी ने 50 वीडियो बना ली, एक वीडियो नहीं बन ली इस पे। जिनके भाई मंगल भारी होते हैं वो यहाँ पूजा करवा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं। और जो बिना सब्सक्राइब किए हमारा वीडियो देखते हैं उनके पापों का हिसाब रखने के लिए खुद चित्रगुप्त ने सेक्रेटरी रखा हुआ है। हेलो, तो राम राम भाई सारा ने, स्वागत आपका अपने चैनल वेदी ब्लॉग्स में। मैं खड़ा हूँ फिलहाल उज्जैन और मेरे साथ है हमारे बड़े भैया विजेंदर। और भाई हम जा रहे हैं फिलहाल कहाँ, एक बहुत ही स्पेशल जगह, काल भैरव गढ़ काली का मंदिर। 4-5 मंदिर है उज्जैन दर्शन के लिए। पीछे वाली वीडियो में देखा होगा आपने, मैं जब सुबह दर्शन करने गया था तो बारिश हो रही थी भाई भयंकर, तो सारे गीले हो रखे हैं। भाई साहब हमारे सो रहे थे सुबह सुबह, कल रात को पता नहीं भांग पी के सोए हैं क्या। और भाई किसी ने सेटिंग शूटिंग करने ब्याह करना हो छोरी यहाँ बुढ़िया तो ब्याह कर सको भाई। ख्वाब दिखाता है, झूठ बोला भाई पर्सनल तो चलते हैं भाई और करते हैं भाई। बाबा दारू तो डाका होगा भैया, दो पैक फिर जय काल भैरव। बाबा के शमशान में ही पीवेंगे। तो वही जैसे ही आप उज्जैन दर्शन के लिए ऑटो लोगे तो आपको मिलेगी ई रिक्शा या वो पेट्रोल वाली जो भी रिक्शा होती है, तो वो अगर प्रति व्यक्ति 100 या 200 रुपये सवारी के हिसाब से लेते हैं। जैसे हम 2 सवारी थी तो हमने पूरा ऑटो ले लिया तो 500 रुपये में हो गया। जैसे अगर आप 2-2 सवारी करके शेयरिंग भी करते हो तो भी 500 या 600 रुपये में आपकी हो जाएगी प्रति व्यक्ति 200 या 150 रुपये सवारी। और हम आए फिलहाल गढ़ काली का मंदिर, उज्जैनी शक्तिपीठ, जो 51 अंग गिरे थे माता के, उनमें से एक अंग यहाँ पे भी गिरा था। तो वही है गढ़ काली का मंदिर, आपको जो भी सामान चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बाहर प्रसाद वगैरह। तो भाई अब जैसे ही मंदिर के अंदर आओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे दीपक जलते हैं, जब माता के लिए जोत जलती है। सामने शेषनाग, तो ये वही गढ़ काली का माता का मंदिर, वहाँ पे है माता हमारी, जय माँ। जो भी आप प्रसाद या नींबू वगैरह लाओगे वो सब यहाँ रखा जाता है, वो उनके श्रृंगार में यूज़ होता है। आपको थोड़ा सा भोग के लिए प्रसाद दे दिया जाएगा। तो वही मंदिर के आप थोड़ा सा बाहर जैसे ही आओगे तो यहाँ आपको मिलेगा हवन कुंड, जहाँ पे हवन हो रहा है फिलहाल, तो हवन हुआ है। तो वही गढ़ काली का मंदिर के बाद अब आए हम काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर भाई उज्जैन में बहुत प्रसिद्ध है। और प्रसिद्ध क्यों है, काल भैरव मंदिर में बोलते हैं कि जो भोलेनाथ है हमारे, वो शराब पीते हैं, वाइन पीते हैं। यहाँ पे आपको ठेके ही मिल जाएंगे दारू की दुकान, वो यहाँ का प्रसाद होता है। बोलते हैं कि बाबा दारू या शराब का ग्रहण करते हैं, लेकिन भाई सबकी अपनी श्रद्धा है, विज्ञान इस बात को नहीं मानती। तेरा तो गेम बजाना पड़े। और भाई बोलते हैं कि मतलब जो 8 भैरव होते हैं ना, उनमें जो सबसे प्रमुख है वो है काल भैरव। और भाई मान्यता है कि राजा भद्रसेन ने शिप्रा नदी के तट पर मंदिर का निर्माण करवाया था। काल भैरव के दर्शन क्यों करने चाहिए, काल भैरव के दर्शन भाई जो भी महाकाल के दर्शन करता है उसके बाद वो अगर काल भैरव के दर्शन करता है तो बोलते हैं भाई कि उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है और बाबा उन पर अति कृपा करते हैं। ये है भाई यहाँ पे आपको प्रसाद मिल जाएगा, जो वहाँ पे अंग्रेजी और देसी मुद्रा मिलती है। और भाई जो बोल रहे थे ऑटो वाले कि 2 से 2.5-3 घंटे भी लग सकते हैं, वो क्यों बोल रहे थे, देख सकते हो आप लाइन पूरी भरी हुई है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे सारी जगह। और बौद्ध मंदिर है तो आप सोच सकते हो भाई कितना लंबा देर में नंबर आएगा। भाई काल भैरव मंदिर के कतियागा पहुँच लिए हम, लाइन कितनी क्रॉस कर गए हैं, 7-8 लाइन क्रॉस कर गए हैं और हमारा नंबर आया करीब 3 घंटे में, नंबर आया हमारा 3 घंटे तक लगातार लाइन में लाग रहे भाई, देख लो। आंटी आंटी 3 घंटे लाग रहे हैं लाइन में, देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ लगी है इधर। हाँ मर रहे आंटी, झूठ बोला आंटी, 1.5 घंटे लाग रहे भाई। कम से कम झूठ तो साफ बोल लेकर। बोल शंकर भगवान की, बोल बम। बड़े बेशरम बालको भाई, रुक के नहीं मारे जा रहे तेरे पे, शर्म करो भगवान से डरो। तो भाई हम जस्ट गेट के बाहर बाबा के, और ये भाई 101 दीपक जलते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे लिख रखा है कि फूल ना फेंके, लेकिन हमारे इंडिया के इतने भयंकर पड़ाकू हैं। ऐसा मत करो मेरी जान। अरे छोरी ने 50 वीडियो बना ली, एक वीडियो नहीं बन ली इस पे। इतने झूठ मारूंगा कि ताट नकली कर दूंगा मैं। इस भाई ने पूरा अंगा ला लिया, मुझे क्यों तोड़ा। भाई बिल्कुल मंदिर के अंदर आ चुके हैं, और मंदिर है कहाँ, वो रहे हमारे बाबा। शिव का वंदन किया करो, अजय शिव का वंदन किया करो, जी राम भजो, जी राम भजो, अजी राम भजो, जी राम भजो। आपके दर्शन होने के बाद भाई आपको जैसे ही बाहर निकलोगे वहाँ मिलेंगे आपको बहुत सारे बाहर बैठे लंगूर बंदर। और ये है मंदिर, यहाँ है बंदर, ये है हम, ये है बंदर,
थैंक यू सो मच गाइस। फिलहाल आए भाई हम मंगलनाथ मंदिर, अगले मंदिर में, और मंगलनाथ मंदिर में भाई उज्जैन नगरी को जो मंगल की जननी कहा जाता है, जिसकी भी कुंडली में मंगल भारी होता है ना, वो यहाँ पूजा करवा सकता है। वैसे तो भाई काफ़ी मंदिर है मंगलनाथ के पूरे विश्व में, इंडिया में, लेकिन यहाँ भी इनका जन्म स्थान है तो यहाँ पे इनका पूजा को खास महत्व दिया जाता है। भाई मंगलनाथ मंदिर में जैसे आप ऊपर आओगे, यहाँ हमारे गणेश भगवान, और फिर लाइन देखो भाई कितनी बड़ी लाइन है यहाँ पे। तो भाई हम आ गए मंगलनाथ भगवान के दरबार में, और यहाँ पे आपको स्कैन कोड दे रखे हैं, दान पेटी में स्कैन कोड भी है ताकि आप पैसे डाल सकें ऑनलाइन। नया हिंदुस्तान मंगलनाथ भगवान के पीछे आपको मिलेंगे भाई हमारे हनुमान जी, और साइड में मिलेंगे आपको महाकाल जी। महादेव महादेव। तो हम आ गए हैं भाई वापिस अपना होटल, क्योंकि हमारी ट्रेन है भाई करीब आधे घंटे में हमारी ट्रेन है यहाँ से उज्जैन से अपना न्यू दिल्ली। तो फिर भाई अपना बैग पैक करके भैया और मैं चलते हैं अपना उज्जैन को, करते हैं बाय बाय। भोले बाबा वापस बुलाएं, हम वापस आएँ। दुआ करता हूँ भाई आप सबके भी जल्दी दर्शन हो यहाँ पे, आप तिलक लगवा सकते हो भाई, सब मज़ा आ जाता है चंदन का तिलक। और फिर भाई मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को भाई लाइक कमेंट शेयर कर देना, हमारे भाई तीन मंदिर हो भाई फिर भी भाई हमारा टाइम लेट हो गया क्योंकि काल भैरव में आराम को 3 घंटे लग गए। तो फिर भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल वेदी गुरु, तब तक के लिए राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना।